वेलकम करते हैं हम अपने चैनल उत्तरांचल बर्ड्स में। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन प्रेस कर दें, उससे होगा ये कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। आज जो वीडियो का टॉपिक है, आज मैं अपनी जावा बर्ड्स को कवर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपनी जावा बर्ड्स कवर नहीं की थी, बहुत से मेरे व्यूअर कह रहे थे कि आप अपने जावा बर्ड्स के बारे में दिखाइए और बताइए। वैसे अभी काफ़ी देर मैंने 2-3 महीने से इन्हें रेस्ट पर डाला था, बस अब जुलाई का महीना आ गया है, जल्दी मैं इनको नेस्टिंग मटेरियल और मटकी वगैरह तो मैंने लगा दिए लेकिन नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ और ये धीरे धीरे अपना जो केजे सेटअप है वो भी लगाना शुरू कर दिया है। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि जावा बर्ड्स बहुत ज़्यादा नहाना पसंद करती है और नहाना बहुत ज़रूरी भी है। यही मेरा इस वीडियो का मेन टॉपिक है जो मैं कवर करूँगा। इसके साथ साथ और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इन्हें मिट्टी के बर्तन में पानी दे रखा है और ये आती हैं और बारी बारी से नहाती हैं। और वीडियो को कवर करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि जब भी हम वीडियो को शूट करने के लिए आते हैं तो ये लोग उड़ जाते हैं, तो काफ़ी दूर से मैं शूट कर रहा हूँ इन्हें जूम करके और काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है वीडियो बनाने में। तो इनका क्यों नहाना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि जब ये नहाती हैं तो अपने फैदर ये गीले कर लेती हैं, उससे होता है कि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। और दूसरी चीज़ और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इनके नहाने का ये है कि इनके जो बॉडी में जो भी माइट्स वगैरह हो गए, कीड़े मकोड़े जो इनकी बॉडी में टच हो जाते हैं, वो सब जब ये नहाती हैं तो वो पानी भीग जाते हैं और उसके बाद ये अपने पंख को फड़फड़ाती हैं। तो होता क्या है, जो इनके बॉडी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं और इन टिक नहीं पाते इनके बॉडी में और ये उन सब कीड़े मकोड़े से बची रहती है। इसलिए आप इन्हें खुले में बर्तन में पानी ज़रूर दें, होगा ये कि उसमें वो नहाएंगी, लेकिन कोशिश करिए ठंड के मौसम में ना दें, जब धूप वगैरह निकले तभी दें, जिससे ये हो कि वो नहाए और उसके बाद ये लोग धूप में बैठ के अपने बॉडी को सुखा लें। गर्मी के मौसम में आप इन्हें दे सकते हैं खुले पानी, दे सकते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, दीजिए बेहतर रहेगा। और ये खाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है जावा, देखने में आप देखेंगे कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। ऊपर वाली ने क्या नायाब चीज़ बनाई है जावा को। हेड देखेंगे ब्लैक कलर है, चिक्स इनके वाइट रहते हैं, बॉडी फैदर ग्रे देखेगा जैसे कि मेरे पास ब्लैक जावा है। इनके जो बीक का कलर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शाइनिंग पिंक कलर होता है और इसमें नर और मादा को पहचानना बहुत ज़्यादा टफ होता है। नर और मादा बहुत ही मतलब सिमिलर दिखाई देते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस इनके बीक के कलर के ऊपर होता है और आई रिंग के ऊपर होता है। इनके बीक का कलर जो नर होता है वो थोड़ा सा उसका डार्क होता है और जो मादिन होती है उसका थोड़ा सा लाइट होता है, मतलब उतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप जावा के केस में सेग्रीगेट करेंगे कि नर और मादा मेल और फीमेल की कैसे पहचान करें तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा डीपली और डेली आप मॉनिटर करेंगे, डेली आप व्यू करेंगे उनको, तब आपको फ़र्क नज़र आएगा। और जैसा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे ब्रीड लिया था तो एक से मेरे को एक ब्रीड में एक चिक मिला था और एक से मेरे को दो चिक्स मेरे को मिले थे। एक चिक्स आप जैसा ये देख रहे हैं सिल्वर कलर का, आप बदामी कलर का, ये इन्हीं की म्यूटेशन है, ब्लड लाइन चेंज आती है। पहले मैं सोचता था कि नहीं सिल्वर कलर अलग ग्रुप से आएगा, लेकिन ये इन्हीं ब्लैक जावा से ही मैंने की का ही चिक्स है ये आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, ब्लड लाइन चेंज आती है इन्हीं ब्लड लाइन से। मेनली जो बेसिक जो जावा होती है वो ब्लैक जावा ही होती है, उन्हीं से ही वो वाइट जावा और सिल्वर जावा बनती है। पहले मैं सोचता था सिल्वर जावा की अलग ही म्यूटेशन होती है, अलग ही वैरायटी होती है, वैरायटी अलग होती है लेकिन बनता ही नहीं सही क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल। ये देखिए इन्होंने अपना नीचे के पंख पूरे गीले कर लिए और जितना इन्हें टेम्परेचर मेंटेन करना तो मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद ही पंख फड़फड़ा के जो पानी होता है वो सब साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और मैं इसके आगे की जो वीडियोज़ हैं इनकी ब्रीडिंग के ऊपर, क्या नेस्टिंग प्रोवाइड करें, क्या स्पेशल फूड इनको प्रोवाइड करें ब्रीडिंग के लिए, कि चावल धान खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन धान आप लिमिटेड क्वांटिटी में दें, दे जरूर लेकिन ओवर ना दें, ज़्यादा देंगे तो आपकी जो जावा है वो फैटी हो जाएगी। और किस क्वांटिटी में अगले मैं वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरी एक नई सीरीज चल रही है बजीज पैरट्स फॉर बिगनर्स, उसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियो, अभी तक मैं दो एपिसोड डाल चुका हूँ, तीसरा एपिसोड मैं जल्द ही डालने वाला हूँ, तीसरा चौथा मैं जल्द ही डाल भी दूँगा और आप देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा उस पर। उसमें मैं पूरी हर एक
पहलू कवर कर रहा हूँ, बजीज कवर। बजीज बहुत कॉमन कॉमन बर्ड है और बहुत से लोग वही बजीज ही पालते हैं, लेकिन जो शौकिया लोग हैं जैसे मेरे पास तो सभी हैं, फिंचेस भी हैं, जावा भी है, लबड़ भी है, कॉकटेल्स भी हैं और बजीज हैं। और धीरे धीरे मैं और बर्ड्स के ऊपर भी जाऊँगा। फ़िलहाल मेरे पास ये 5 डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ बर्ड्स हैं और ये सारी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, इसे आप पाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें अपने घर में पालने में। लेकिन बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इनका सेटअप अच्छा बनाइए, बड़ा बनाइए, जिससे पूरा स्पेस मिले इन्हें घूमने फिरने के लिए। यही मेरी दरख्वास्त है। और जो भी इनका फीड्स है वो आप इनका आप स्टडी करिए और क्या क्या इन्हें आप दे सकते हैं वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।